सदर कोतवाली क्षेत्र के जमानिया मोड़ के पास स्थित सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल के एक कर्मचारी की गलत हरकत को लेकर एक बार फिर से अस्पताल सुर्खियों में आ गया। बीते दिनों अस्पताल में भर्ती एक महिला के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारी द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाते हुए शनिवार की सुबह हो हल्ला करते हुए गाजीपुर मऊ मार्ग को जाम कर दिया। अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सुबह करीब 9 बजे सैकड़ों लोग हो हल्ला करते हुए गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर बिलेचिया मोड़ के पास पहुंचे और सड़क को जाम कर नारेबाजी करने लगे। जाम होते ही मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम कर रहे लोगों का आरोप था कि दो दिन पूर्व सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला के साथ अस्पताल के कर्मचारी ने छेड़खानी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाम की जानकारी होते थी सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह, ADM राजेश सिंह, SP सिटी गोपीनाथ सोनी, सदर CO ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल मिश्रा के साथ ही जंगीपुर, बिरनो और करेंडा पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लगभग 2 घंटा बाद जाम समाप्त हुआ। पीड़ित महिला के परिवार वालों का आरोप था कि महिला को सांस लेने में दिक्कत होने पर जमानिया मोड़ के पास स्थित सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल में ले गए थे, जहां चिकित्सक ने उसे ICU में भर्ती किया था। 26 मार्च की शाम हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर महिला को घर लाया गया। महिला ने परिजनों से बताया कि अस्पताल के एक कर्मचारी ने वार्ड में उसके साथ छेड़खानी की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर रात में ही सदर CO ओजस्वी चावला को अस्पताल भेजा गया था। उन्होंने अस्पताल में लगे CCTV फुटेज को देखा, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कोई चीज नहीं दिखाई दी। फिर भी पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। SP ने कहा कि चक्का जाम कर लोगों ने धारा -144 का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाल विमल मिश्रा ने कहा कि पीड़ित महिला की तहरीर पर कर्मचारी और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि सिंह लाइफ केयर अस्पताल इससे पहले भी अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहा है। 18 अप्रैल 2015 की रात इसी अस्पताल में राजेश यादव हत्याकांड हुआ था। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने के साथ ही आगजनी की घटना की थी। कुछ लोग कहते परिवार वाले कहते खत्म हो गया, इतना ही देखना था। हम लोग बावजूद आगे भी देखे गए हमें एक एक सेकंड क्या कहते कोई देखी बिना फॉर्म क्या हुआ हमें सारा पता लगे कहते। उसके बाद क्या कहते हैं तुरंत भविष्य के लिए हमने 5-6 टीमें बनाई गया था और इनसे बात भी होगा। तहरीर सुबह पहुँचा देंगे थाने पर, तहरीर आएगी हम मुकदमा लिखेंगे और जो इस पे है ये अभियुक्त है कहते हैं गिरफ्तार हुआ कहते हैं पूरी 100% ऐसी कार्रवाई होगी कहते हैं। आप अपनी जारी में नोट कर लेंगे और आप सक्षम अधिकारी हैं और क्या घटनाएं हैं। रात्रि में ये बात प्रकाश में आई थी कि एक महिला अपने इलाज के लिए सिंह हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके साथ वहाँ के किसी वार्ड बॉय ने उसके साथ इस प्रकार की घटना की थी। इस संदर्भ में तत्काल मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर और इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा गया। उन्होंने CCTV फुटेज का अवलोकन किया और ये देख बहुत स्पष्ट रूप से उसमें कोई चीज़ नहीं आई, फिर भी परिजनों से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और जिन लोगों ने जाम लगाया है इस जनपद में, चूँकि धारा 144 प्रवर्तन में है और जो भी इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करेंगे और जाम लगाएंगे उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।